जय हिंद साथियों, सभी को राम राम। आज मैं बात करूंगा गया यारो का, जो कल मैंने बताया था शाम को वीडियो जो डाला था उसमें कि गया यारो का रिजल्ट आखिरकार क्यों डिले हो रही है। गया यारो का आज मैं बात करूंगा कट ऑफ और सीट की बारे में कि उनकी आखिरकार सीट कितना होगा और उनका कट ऑफ कितना जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि गया यारो का 28 तारीख तक वेरिफिकेशन की कार्रवाई चल रही है। 28 तारीख तक उनकी बोनस मार्किंग और वेरिफिकेशन की कार्रवाई जैसे ही कंप्लीट होती है उनकी रिजल्ट इसी में डिले हो रही है, उनकी रिजल्ट आ जाएगी। और उनकी सीट की यदि बात की जाए और कट ऑफ की, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं उनकी सीट जो है सो काफ़ी अच्छा है। यानी गया यारो वाले नौजवान घबराए नहीं, गया यारो का सीट काफ़ी अच्छा है। कट ऑफ उनकी कितना जा सकती है, तो कट ऑफ के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि उनकी कट ऑफ जो है सो तकरीबन आपका बता देना चाहता हूँ तकरीबन उनका जो कट ऑफ है वो 160 से 165 के बीच में रहने वाला है। 160 से 165 से ज़्यादा उनका कट ऑफ कभी नहीं जाएगा। आज आप लिख लीजिए कि 160 से 165 से ज़्यादा कट ऑफ उनका नहीं जाने वाला है। गया यारो में तकरीबन 500 के आसपास सीट आना चाहिए, यानी कि गया यारो में 375 से लेके 500 तक के सीट का अनुमान हमको आया है। जो भी खबर मुझे मिल रही है कि उनकी सीट जो है 400 से 500 के बीच आने की संभावना है, यानी गया एरो का। गया एरो का रिजल्ट कब लगेगा, तो गया एरो का रिजल्ट जो है आपका लग जाएगा 29 तारीख के बाद, कभी भी लग सकता है। लेकिन 29 तारीख से लेकर के अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट कभी भी लग जाएगा गया यारो का। और क्लर्क वाले जो भी नौजवान हैं, क्लर्क का रिजल्ट जो है 29 तारीख के बाद क्लर्क का भी रिजल्ट आ जाएगा, और क्लर्क का एक साथ रिजल्ट आएगा। जैसा मुझे जानकारियां मिल रहा है, क्लर्क का एक साथ सभी का रिजल्ट तैयार हो रहा है। अक्टूबर फर्स्ट वीक तक उनका भी रिजल्ट, क्लर्क का भी आने की संभावना है, आ जाएंगे। और क्लर्क का इस बार अच्छा खासा सीट है, सेंटर में वैकेंसियाँ को काट दिया गया है, तो क्लर्क में अच्छा खासा वैकेंसी इसमें आएगा। जय हिंद।